जो है ये देखिए गाइस, यहाँ पर जो हम लोग पार्क से जा रहे थे, ये देखिए कितना सुंदर पार्क है। ये कॉमन पार्क है, मतलब जहाँ पे हमारा अभी हमने नया फ्लैट लिया है उसके पास में ही है, उधर हमारा फ्लैट है और इधर से ये कॉमन पार्क का एरिया स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी बड़ा है ये, और इधर इन लोगों का कुछ आज शायद कुछ कर रहे होंगे ये लोग। हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। तो आज संजीव का ऑफ है तो हम तीनों ही जा रहे हैं आज पार्क में, मतलब सबसे बड़ा पार्क है यहाँ का। ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग है पार्क की, और उधर प्ले करने के लिए भी है, लेक है। तो बस हम लोग ने सोचा कि आज जाते हैं पार्क में। कॉमन पार्क है ये, बहुत बड़ा है। बेटू डैडी की फिंगर पकड़ लो। ओ माय गॉड, पॉकेट में हाथ, पैसे पैसे नहीं है बेटू के पास। देखिए संजीव, उसको मुझे इसके बाल नहीं अच्छे लग रहे, बाल की वजह से नहीं अच्छा लग रहा। को बैक करके दिखाते हैं। हाँ बेटू, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जैसा कि यहाँ समर स्टार्ट हो गई है तो हर कोई मतलब जो बच्चे हैं वो भी स्कूल से आने के बाद पार्क में आते हैं, और मतलब क्योंकि विंटर में तो इतनी जल्दी दिन फिनिश हो जाता है तो बस स्कूल के बाद भी बच्चे नहीं कहीं नहीं जा सकते। बट हाँ, समर में तो काफ़ी अच्छा वेदर होता है कि रात को 10 बजे तक दिन ही रहता है, और अभी तो मतलब इतनी ठंड भी नहीं है, नॉर्मल हो गया है क्लाइमेट। तो बस हाँ बेटू, स्विमिंग यह है, मतलब बहुत बड़ी तो नहीं है बट छोटी सी लेक है। तो श्रीराम जब भी यहाँ आता है तो कहता है स्विमिंग जानी है, स्विमिंग। ये पार्क में जाने के लिए रास्ता, मतलब रोड के एक तरफ पूरा पार्क ही है, मतलब इधर रोड है, मेन रोड है इधर, और उसके इधर पूरा पार्क है। बस ये पार्क में जाने के लिए रोड है। क्या कुछ नहीं है, सभी लोग रोड पे जा रहे हैं बेटू, एक आप हैं जो रोड से आउट चल रहे हैं। बस समर आ जाती है तो सब लोग पार्क में आके पिकनिक मनाते हैं। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिए जूम करके दिखाते हैं आप लोग को। हाँ दरबार, बेटू अभी नहीं जाना, भी पापा पकड़ेंगे आपको। ये सिरांस की ओर रुको यार, ऐसे हम बैठे ये कॉमन पार्क में मतलब बहुत छोटे से एरिया में बना हुआ है, सिर्फ बच्चों का प्लेइंग के लिए। काफी कुछ है, और श्रीराम को ये बहुत अच्छा लगता है। श्रीराम सबसे पहले इधर ही आया,
जबकि इस पर काफी बड़े बच्चे ये करते हैं रोप पे, लेकिन सिरियांस को तो इस पे भी करना है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो लाइन में खड़ा हुआ है अभी भी। सिरियांस वेट कर रहे हो आप, इस पे जाना है आपको? सिरियांस को बहुत मन कर रहा है इस पे जाने का। मतलब यहाँ बच्चों के लिए काफी कुछ एक्टिविटीज होती है। सिरियांस बहुत देर से वेट कर रहा है। सिरियांस आपको जाना है? छोड़ दो ना। Sirian, look at mama. ये ऐसे लग रहा है जैसे कि मटर। देखिए ये बालू कितनी भरा है। सिरियांस बन भाई बन, सिरियांस बन भाई बन, संजीव संजीव वो सारे चढ़ते ही रह गए। उसका सूझ निकल बेटू, ऐसे कॉपी नहीं करते आप। वन टू थ्री। चढ़ो 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 चढ़ो। वाओ, वेरी गुड सिरियांस, वेल डन। अब ऊपर पकड़ो, ऊपर पकड़ो। देखियो देखियो देखियो, उल्टा तो लटक रहा है। संजीव उसे बताओ ना, ऊपर ऊपर हाथ पकड़े अब। ऊपर ऊपर पकड़ो, ऊपर पकड़ो। उसको पता है जान के बच्चे लेके जा। ऊपर पकड़ जा। वाओ, ये क्या है ये?
अच्छा ये चलाने के लिए है। चलाओ इसको चलाओ। ये क्या है संजीव? ये पूरा सिस्टम है, ये इसमें से रेत इस पे गिरता है, ये रेत उधर जाता है। ओके, फिर इसको मतलब वो रेत उधर से आता है, ये इनको फिल करके इधर आता है, फिर उसके बाद ये कुछ नल लगे हैं ना, कुछ है ना, गंदा है। इस पे भेज दो इसको। सुजान पहुंच गए हैं अपनी आइसक्रीम लेने के लिए। सिराज कौन सी लेनी है आपको आइसक्रीम? इधर आओ, इधर यहाँ से। हाँ तो इधर है, इधर इधर। हर जगह बच्चों के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये ना इसमें लकड़ी के वो लगे हुए हैं, मतलब बच्चों को चोट नहीं लगेगी, ऐसा हर जगह बच्चों को खेलने के नीचे ऐसा कुछ बनाया गया है। ओ माय गॉड, जंपिंग। संजीव उधर खड़े हैं, संजीव के कलीग मिल गए तो सिरान बुला रहा है। पार्क में आने के बाद आइसक्रीम लेता जरूर है, बट खाता नहीं है, बट लेता जरूर है, उसे शौक बहुत है लेने की, तो गया है आइसक्रीम लेने के लिए। सिरांस ना आइसक्रीम, और देखिए बालू में चलता कैसे है, भगवान पूरी बालू को शूज में भर के चलता है। बैठने की जगह बनाई हुई है, बैठ जाओ, आप भी बैठ कर खा लो। सिरियांस आइसक्रीम, सिरियांस को आइसक्रीम लेनी बहुत जरूरी है, और फिर उसके बाद संजीव को आइसक्रीम खानी पड़ रही है, और सिरियांस इधर स्लाइड कर रहा है। अब गया उसे संजीव, इसके लिए तो कौन ले आओ वो सर, वो कौन खा रहा है, और वो आइसक्रीम तो खा ही नहीं रहा है। ये अजीब बंदा है।
तो गाइज हम लोग आ गए घर और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था आज पार्क में, तो मैंने फिर कुछ वीडियो नहीं बना पाया। बट हाँ, जो भी मैंने बनाया आपने देखा कितना बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे लिडिल, थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था, तो मैंने सोचा लिडिल वहाँ से पास में था तो हमने सोचा कि ठीक है उस सामान को भी लेके तभी घर चलते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं क्या क्या लेके आए हैं। तो ये मैंने लिया था एक गाजर का पैकेट, काफ़ी अच्छी गाजर थी तो मैंने ले लिया, और एक दही जो मैं नॉर्मल लेके आती हूँ और फैट फ्री होता है ये, और एक मशरूम क्योंकि मशरूम की सब्जी बन जाती है, श्रीयांशु संजीव खा लेते हैं, और ये ग्रेप्स का एक पैकेट, और ये हाँ बेबी पटेटो मिले थे काफ़ी अच्छे, और ऑरिगेनो ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा ले लूँ। और उसके बाद ये चिप्स हैं, और ये पालक भी मिला तो मैंने पालक भी ले लिया। उसके बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी। वैसे मैं डेली नहीं पीती कॉफ़ी, बट हाँ जिस दिन संजीव का ऑफ होता है उस दिन मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी, मेरा मन करता है मुझे। मैं चाय तो नहीं पीती बट हाँ कॉफ़ी पीने का मुझे कभी कभी मन करता है तो मैं पी लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि वो जो सामान है उसको फ्रिज में लगा दूँ, क्योंकि श्रीयांश भी ना सो रहा था, आते टाइम ही वो सो गया था क्योंकि पार्क में खेलते खेलते वो काफ़ी टायर्ड हो गया था, तो बस फिर वो सो गया। तो फिर मैंने सोचा ये काफ़ी अच्छा मौका है अभी सारा काम कर लेने का, तो बस वही मैंने सारा सामान भी लगा दिया। और ये कुछ मैंगो पहले के रखे हुए थे तो वो मैंने फ्रिज से बाहर निकाले, और जो मैं आज लेके आई थी वो काफ़ी कच्चे थे तो उनको फिर मैंने, ये जो आज लेके आई थी वो काफ़ी कच्चे थे तो फिर मैंने उनको बाहर रखा, क्योंकि फ्रिज में तो पकेंगे नहीं, तो बस उनको बाहर रखा। और जो पहले रखे हुए थे उनको भी निकाला ताकि अब वो खा लिए जाएंगे, और बस फिर सारा सामान अच्छे से फ्रिज में अरेंज कर दिया। और पार्क में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से एंजॉय किया, आप लोगों ने भी किया होगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और बस फिर ये हमारी कॉफ़ी बन के रेडी हो गई। आज मैंने सिंपल कॉफ़ी बनाई, बीट करके नहीं बनाई क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से बना लेते हैं अभी कॉफ़ी, तो बस वही कॉफ़ी बनाई। और बस फिर अब हम लोग कॉफ़ी एंजॉय करेंगे, तो बस आप लोग भी आ जाइए कॉफ़ी पीने के लिए। बस हम लोग थोड़ा सा बालकनी में बैठेंगे, और फिर मैंने थोड़ा सा धूप में बैठी और फिर मैंने कॉफ़ी पी, और मैंने ये कुछ सुबह कपड़े धुले थे तो वो मैंने धूप में डाले हुए थे। इधर फ्लैट में काफ़ी अच्छी धूप आती है। पार्क से आते ही श्रीयांश तो सो गया था, बस अब श्रीयांश उठा है तो थोड़ी देर अपनी टैबलेट देख रहा है। श्रीयांश हेलो कर दो, आज आपने पार्क में बहुत एंजॉय किया है ना? नहीं दियो क्यों? और आप क्या खाओगे अभी आज? क्या खाओगे आज? पिज्जा? पिज्जा। जूस पीना है? ओके लेके आ रही मैं। तो ओके, तो संजीव और श्रीयांश दोनों का आज मन है पिज्जा खाने का, तो मैंने बोला कि बाहर से लाने से बेटर है कि पिज्जा बेस लेके आ जाओ, बाकी सब चीजें हैं हमारे पास तो हम घर पे ही बेक कर देंगे। तो बस वही संजीव पिज़्ज़ा बेस लेने के लिए गए हैं, और बस इसकी आज थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ भी बेक किया नहीं है, तो बस अभी थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे फिर बनाएंगे पिज़्ज़ा, आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। और तब तक मैं थोड़े से बर्तन पड़े हैं तो मैंने सोचा बर्तन धो दूँ। हाँ क्या क्या कर रहे हैं स्कूटर को? स्कूटर हाँ ऐसे करता है स्कूटर को? ओ माय गॉड। ओके ओके ओके, क्या बना दे मम्मा? क्या बना दूँ? अभी बना रही बस। मेरे पास येलो कलर की नहीं थी। ओके, श्रीयांश ब्लॉग की स्टार्टिंग भी करता है और एंड भी कर देता है। तो बस ये ग्रीन कैप्सिकम है, रेड है, टोमेटो निकाला मैंने, और ये पिज्जा सॉस है।
और ये पनीर डालूंगी इसमें, और ये मैंने कॉर्न निकाले हैं तो यस, और ओरिगैनो चिली फ्लेक्स निकालूंगी अभी। तो बस पहले मैं इनकी कटिंग करती हूँ। तो बस मैंने ये जो कैप्सिकम है रेड ग्रीन, और थोड़े कॉर्न निकाले हैं, और ये है पनीर, और ये है थोड़े से मैंने टोमेटो की स्लाइसेस कट करे हैं। और आज ही मैं ऑर्गेनो भी लेके आई थी, बट पिज्जा बेस नहीं था वहाँ पे तो इसलिए नहीं लेके आई थी। ये चिली फ्लेक्स है। क्या है ये मसाला? ये मसाला। ओके ओके ओके, मसाला उनके अकॉर्डिंग वो मसाला ही है। तो बस अब मैं पिज्ज़ा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, और ये पिज़्ज़ा बेस भी सेंसवेरी से मंगाया है, और ये है मोजरेला चीज़, ये भी सेंसवेरी से। मोस्टली सारी चीज़ें सेंसवेरी की हैं, और जो लोग नए आए हैं तो वो लोग भी सेंसवेरी से मतलब परचेज करके पिज़्ज़ा घर पे आराम से बेक कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा बनता है पिज़्ज़ा। इवन जो डोमिनोज में पिज़्ज़ा मिलता है मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा, आई थिंक 8 या 10 pounds का मिलता है, बट उतना अच्छा भी नहीं होता है। और मतलब अच्छा होता होगा शायद, जो जिन लोगों को पसंद है वो लोग तो खाते ही हैं, बट हाँ मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि वहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों ही यूज़ होता है, तो इसलिए मैं कभी नहीं खाती हूँ। मुझे जब भी खाने का मन होता है मैं घर पे ही बेक करके खाती हूँ। बट हाँ इस फ्लैट में मैंने पहली बार मतलब पिज़्ज़ा बना रही हूँ ये, तो बस पिज़्ज़ा बेस पर मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड किया, और उसके बाद जो भी मैंने सब्जियाँ कट की वो मैंने उसके ऊपर लगा दी। कॉर्न है, पनीर है, रेड कैप्सिकम है, ग्रीन कैप्सिकम है, येलो कैप्सिकम नहीं थी हमारे पास, तो बस जो थी मैंने, हाँ थोड़े से मैंने टमाटो के स्लाइसेस भी लगाए। और फर्स्ट टाइम मैं माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा बनाऊंगी यहाँ पर, मैंने अवन में नहीं बनाया क्योंकि अवन को क्लीनिंग करना पड़ता, तो फिर मैंने सोचा कि बेटर है कि एक बार माइक्रोवेव में भी यूज कर सकते हैं। तो बस फिर मैंने उसके ऊपर से चीज़ और खूब सारा स्प्रेड किया, और गाइस रियली बिलीव नहीं करोगे बहुत ही पिज़्ज़ा अच्छा बन के रेडी हुआ था। और एक बार संजीव ने डोमिनोज का पिज़्ज़ा लिया था और खाया था, मैंने नहीं खाया था, बट हाँ वो लोग चिली फ्लेक्स भी नहीं देते हैं, एक कुछ गार्लिक पेस्ट देते हैं साथ में खाने के लिए, चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो नहीं देते हैं। बट हाँ जो घर पर बनाते हैं ये चीज़ हम अपनी खुद से लेके आ जाते हैं। और उसके बाद रियली गाइस बहुत, बस ये देखिए मतलब टॉपिंग एकदम रेडी है, और उसके बाद फिर बस माइक्रोवेव में रखे और पिज़्ज़ा बन गया। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था, एक बार आप लोग भी ट्राई करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको हमारा पिज़्ज़ा। हम लोग को तो बहुत पसंद आया। और गाइस अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। देखिए आप लोग भी, बहुत अच्छे से चीज़ मेल्ट हुई थी। ओके गाइस बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।